आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अपने ब्लॉगर में इन्फो लिंक के कोड को कैसे इंटीग्रेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इसका लॉगिन अकाउंट होना चाहिए और लॉगिन करने के बाद आपको इंटीग्रेशन में आना है। और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ अपने साइट thelinkmaster.com के साथ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एक तो आपके सामने जावा स्क्रिप्ट का रहता है, अगर आपके पास वर्डप्रेस की साइट है तो आप वर्डप्रेस के लिए कर सकते हैं और ब्लॉगर के लिए अलग है। बट मैं यहाँ पे पुट करूंगा जावा स्क्रिप्ट वाले कोड जो हर जगह काम करता है, हर प्रोफाइल में काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको आपको कॉपी करना होगा, फिर आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट को लॉगिन करना होगा जिस नाम से आपका ब्लॉगर है। तो मैंने अभी लॉगिन कर रखा है। उसके बाद आपको जाना है थीम के अंदर और फिर एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, सबसे नीचे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ मेरा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने यहाँ पे अभी इंटीग्रेट नहीं कर रखा है, सिर्फ अभी मेरा एडसेंस अकाउंट का कोड चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कोड नहीं आ रहा। मैं कुछ खोल भी लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको इसको पुट करना है नीचे आने के बाद बॉडी में, बॉडी के ऊपर आपको हाँ पेस्ट करना है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ चल रहा है कि नहीं। देखिए अभी यहाँ पे सिर्फ मेरा एडसेंस का ही चल रहा है, अभी इन्फो का नहीं आ रहा है। अब जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे चल जाएगा। तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे सबसे नीचे आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है जो आपका कोड है, जो आपने कोड यहाँ से जो कॉपी कर रखा है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। सेव हो रहा है। सेव होने के बाद मैं इसको रीडायरेक्ट फिर से रीलोड कर रहा हूँ पेज को। सेव होते ही सेव हो गया। अब देखते हैं, ये देखिए आ चुका, इंटीग्रेट हो गया। मैं फिर से एक बार रीलोड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा इन्फो लिंक का कोड यहाँ पे हमने डाल दिया और वो एक्टिवेट भी हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे ही टेक्निकल न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट्स।